लक्ष्मण, इसी आंगन में हम खेले हैं। राम के बाल स्वरूप की लीलाओं का सबसे प्रमुख स्थान दशरथ महल को माना जाता है। यहीं उनके नामकरण संस्कार की मान्यता है। महाराजा दशरथ का महल, इसे बड़ा स्थान कहते हैं। अयोध्या वाले मानते हैं कि ये त्रेता युग में बना। यहीं पर महाराजा दशरथ अपने सगे संबंधियों के साथ निवास करते थे। भगवान राम और उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का बचपन यहीं बीता। दशरथ महल से ही गुरु वशिष्ठ राम को शिक्षा के लिए ले गए थे। दस इंद्रिया वश में करे, दसो दिशा रथ जाए, जाके होवे ब्रह्मसुत सो दशरथ कहलाए। उनके यहाँ स्वयं परमात्मा भगवान ब्रह्म के रूप में प्रकट लिए माता कौशल्या की गोद में, जहाँ माता कैकेयी, सुमित्रा तीनों रानियां को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये दशरथ महल वही है। यही प्रभु तीन रूप में विराजमान है, यहाँ तीन विग्रह हैं। भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान है, दूसरी विग्रह जो है वो राजा स्वरूप में चक्रवर्ती सम्राट गद्दी पर जब बैठे तो राजा स्वरूप में विराजमान है, तीसरा जो वन निकले यहीं से तो वनवासी स्वरूप में भगवान राम विराजमान है। यही दशरथ जी का राजमहल है, यहीं से सभी व्यवस्थाएं चलती रही, ये चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है। अयोध्या के रामकोट परिसर में मौजूद मंदिरों और किलों से कुछ दूर एक स्थान ऐसा भी है जिसे जगत जननी जानकी के प्रिय स्थल के तौर पर पहचाना जाता है, जिसे मणि पर्वत का नाम दिया गया। महाराज जनक ने विवाह के बाद जो बहुत सारा उपहार दिया था वो उपहार यहाँ पर आया, लेकिन उसमें बहुत अनेक प्रकार के हीरे, मणि, माणिक्य सब थे, परंतु जब प्रभु राम यहाँ से परम धाम चले गए तो सभी मणि माणिक रत्न जो है वो पत्थर के रूप में हो गए। मणि पर्वत को लेकर के दो प्रसंग हैं। एक प्रसंग तो जो बहुत चर्चित है हमारे यहाँ, वो महाराज जनक का है कि वो बहुत सारी भेंट सामग्री और मणियाँ ला करके वहाँ उन्होंने स्थापित की थी। उसका एक दूसरा प्रसंग यह है कि जब महाराज रघु ने आक्रमण करना चाहा इंद्र के ऊपर कौत्स के द्वारा मांगी गई भिक्षा उन्हें देने के लिए, तो उस समय इंद्र ने धनवृष्टि की और वो धनवृष्टि इतनी अधिक थी कि वो महाराज रघु के लिए काम में नहीं थी और उन्होंने कहा ये ब्रह्मचारी के निमित्त आई है तो ये धन हम ले नहीं सकते, तो वो सारा उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया संरक्षित करके। तो महाराज इंद्र के द्वारा, देवराज इंद्र के द्वारा राजा रघु की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मणियों की, धन की वृष्टि की गई थी, उससे मणि पर्वत निर्मित हो गया और बाद में वो भगवान श्री सीताराम जी के विहार का स्थल बन गया। और भगवान के अयोध्या में जो विहार स्थल हैं उनमें प्रमोद वन और मणि पर्वत इत्यादि प्रमुख हैं। ऐसी मान्यता है कि मणि पर्वत पर भगवान राम ने माता सीता के साथ श्रावण मास में तृतीया तिथि पर झूला झूलने की परंपरा शुरू की। त्रेता युग की ये परंपरा कलयुग में भी चली आ रही है। मणि पर्वत पर भगवान झूला झूलते हैं तो वहीं श्रद्धालु मंदिरों में झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। अयोध्या में पूरे महीने सावन मेला चलता है, सावन झूला मेला। मान्यता यह है कि मणि पर्वत पर सबसे पहला झूला राजा दशरथ ने दिलवाया, उसका नाम सीता केल ही है। सीता केल यानी सीता जी के क्रीड़ा का स्थल। अयोध्या में सीता राम के प्रिय प्रसंग का केंद्र
झुनकी घाट भी है। यहाँ सियाराम किला बना है। यहाँ का महत्व यह है कि नाम से ही आप परिचित हो गए होंगे, श्री सियाराम किला इस कारण में, जहाँ पर सियाराम जी का विश्राम स्थल था। जहाँ जब विहार करने के लिए अपने सखा के साथ या कभी माँ जानकी के साथ अकेले में विहार करने के विचरण करते थे, तो उनका ये विश्राम स्थल था। इस किले का निर्माण झुनकी बाबा ने करवाया था। तो हमारे महाराज जी जो विशेष थे, जब गुरु जी ने उनको वैराग लिए और गुरु जी जब भगवान से संबंध जोड़े, तो हमारे महाराज जी ने कहा कि गुरु जी, हम यदि भगवान के सखी हैं तो सिर्फ अंदर मुखी क्यों रहें, अंदर मुखी और बाहर मुखी हम दोनों रहें। तो बाबा ने, झुनझुनिया बाबा ने नाक में बुलकी धारण किया, सिंदूर किया, टिकली किया, पैर में जो औरतों का पूरा भेष होता है वो उन्होंने धारण किया। और इसीलिए संतों ने उनका नाम, जब चलते थे पायल पहन करके तो वो आवाज़ आता था पैरों से, तो संतों ने उनका नाम झुनझुनिया बाबा, झुनझुनिया बाबा रख दिया। रसिक भाव का भाव ये हुआ कि हम लोग अयोध्यावासी ना हो करके हम लोग कहाँ के हैं, तो जनकपुरवासी हैं। और राम जी का हम लोग साली कहिए, सरहज कहिए, या फिर जानकी जी की सखी के रूप में हम लोग उस प्रभु को स्मरण करते हैं। अब उसमें सखी होने के कारण सखी जी का हम लोग भगवान को गाली देने का भी अधिकारी हैं। हमारे महाराज जी का एक बना हुआ भजन है, अजी बाबू तोहर जरठ दुल्हा जुवती छथु मैया जी, अजी बहिनी छिनारी घुमतुन साधु के जमतिया जी, त्रिकोटी महल बीच दीन नाही रतिया जी, अजी कोटी सूर्य चंद्र देखी हरे दूर मतिया जी, अजी बाबा हो झुनकिया नाक डोल है बुलकिया जी, अजी गंगा हो जमुन मा बीच बह सरसतिया जी। तो इस पद में एक गाली श्लोक आता है, बाबू तोहर जरठा दुल्हा जुबती छथु मैया जी, बहिनी छिनारी घुमथुन साधु के जमतिया जी। तो ये गाली दे करके जैसे ससुराल में मेहमान को गाली दिया जाता है, उसी भाव को हम लोग परिपूर्ण करते हैं। मान्यता यह है कि जब प्रभु राम और सीता अयोध्या भ्रमण पर निकलते थे तो कुछ समय यहीं विश्राम करते थे। विवाह के पश्चात 12 वर्ष राम और सीता अयोध्या में रहे, उसके बाद वनवास चले गए। कहते तो ये भी हैं कि जिन माता कैकेयी ने श्री राम के लिए वनवास मांगा था, उन्हीं ने जनक नंदिनी को स्वर्ण महल उपहार में दिया था। अभिमान का धनुष टूटा था और भक्ति रूपी जानकी का भगवान के साथ मिलन हुआ। सारा जनक पुर धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ। ये कनक भवन महारानी कैकेयी के कहने पर बना था। कथा है कि कनक भवन के निर्माण के लिए विश्वकर्मा अयोध्या आए थे। भगवान श्री कृष्ण आए अयोध्या और उन्होंने एक जगह विश्राम किया और वहाँ उनको पता चला कि ये श्री सीताराम जी का महल है, कनक भवन है। कनक भवन का यह इतिहास है कि वह सोने का महल था और माँ कैकेयी ने सीता जी को उसको मुंह दिखाई में दिया था। द्वापर के युग में जब द्वापर का चौथा चरण शुरू हुआ तो भगवान सभी तीर्थ यात्रा के लिए कृष्ण जी आए, तो आज भी उसका इतिहास है कि कनक भवन को पुनः जीर्णोद्धार भगवान कृष्ण ने कराया।
रामनगरी में प्रमुख सिद्ध पीठों में एक अशर्फी भवन सिद्ध पीठ है। यहाँ इसका नाम लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सीताराम विलास भवन है, कई दशक पुराना है। हम तीसरी पीढ़ी में हैं। हमारे प्रथम आचार्य जो थे परम पूज्य प्रात स्मरणीय जगदाचार्य वैकुंठवासी श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, वे जब इस भवन का निर्माण करा रहे थे तो सोने की असरफियाँ निकली थीं और सब लोगों ने बाँट लिया, लेकिन बीमार होने पर वो पुनः वापस दे गए और उन्हीं असरफियों से पूरा भंडारा महाराज जी ने कराया अयोध्या का, अयोध्यावासियों का। तब से लोग असरफी भवन कहने लगे। तो ये तो राम जी के समय से है। राम राज बैठे त्रैलोक का, हर्षित भय गए सब शोका। राम का जो आगमन है वो पृथ्वी को त्रास से मुक्त कराने के लिए, और राम की कथा शापों की उन्मुक्त मोचनी कथा है, शापों का मोचन करती है। ये शापों की कथा है, स्वयं भगवान को शाप है। नारद ने कहा कि तुम जो कि जाओ और तुम भोगो कष्ट, है ना, भगवान ने भोगा। स्वयं दशरथ को शाप है कि उन्होंने पानी भरते हुए श्रवण कुमार को मृग समझा, और अंतिम समय पे श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं तुम प्राण त्यागोगे। तपस्या करते हुए वैष्णवी पर कुदृष्टि डालना और उनके बाल खींचने वाले रावण को स्वर्ग में जाती हुई वैष्णवी ने कहा कि अगले जन्म में तू जब कामांध होगा तो वही स्त्री तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो ये सारे शापों की मुक्ति कथा है, हर एक को एक एक शाप मिला हुआ है और वो उससे मुक्त हो रहा है। अयोध्या में कई पवित्र नदियां बहती हैं, लेकिन स्वयं प्रभु श्री राम की लाई तिलोदकी गंगा की धारा की खोज करनी पड़ती है। आखिर तिलोदकी गंगा जो स्वयं प्रभु श्री राम लाए वो कहां विलुप्त हो गई? तिलोदकी गंगा की कई कथाएं हैं। पुराणों में तिलोदकी गंगा का पृथ्वी पर आगमन ऋषि रमणक की तपस्या के प्रताप से बताया जाता है। अयोध्या की 84 कोस की परिधि में पंडितपुर में ऋषि रमणक की तपस्या से ही तिलोदकी गंगा का उद्भव हुआ। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब यहाँ शासन था तो उन्होंने अपने राज्य में जो है सेना को सुसंगठित करने के लिए घोड़ों को जो है घोड़ों का आयात किया था। ऐसे कुछ घोड़े सिंधु और बलूचिस्तान साइड से, सिंध से आए थे, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान यानी काबुल से आए थे या उस साइड से आए थे पश्चिम से, और वो यहाँ का जल पीते नहीं थे। तो उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसी नदी का निर्माण कराया जिसका जल श्याम रंग का यानी काले के काले तिल के समान होता था। उदक का मतलब जल और तिल का मतलब काले तिल, जिसका रंग काले, जिस जल का रंग काले तिल के समान होता था उसको तिलोदकी गंगा कहा गया। तो वो तिलोदकी गंगा जो यहाँ है वो तिलोदक देने के कारण, प्रेत कार्य किए जाने के कारण उसकी धारा प्रकट हुई है और भगवान श्री राम के जीवन से संबद्ध है वो भी। अब उसके संरक्षण की बात चल रही है, बीच में तो बहुत उसकी धारा क्षरित हो गई थी, लेकिन ऐसी अलग अलग अयोध्या के पूरे परिक्षेत्र में कई धाराएं प्रवाहित हैं। जैसे सरयू के बारे में हम परिचित हैं, लेकिन सरयू घाघरा संगम एक है जो भगवान वराह का प्राकट्य स्थल है, वो अयोध्या की ही परिधि से जुड़ा हुआ है। जैसे रामरेखा या मनोरमा की धारा है जो अयोध्या के ही महात्म्य से जुड़ी हुई है, ऐसे तिलोदकी की धारा।